नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज हम बात करेंगे RRR यानी आलिया भट्ट की मूवी ट्रिपल आर की। जी हां, आलिया भट्ट का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। आलिया भट्ट इस फिल्म में चरणजीत जूनियर NTR के साथ इसमें अपना उन्होंने रोल निभाया था। इसी के साथ ट्रिपल आर ब्लॉकबस्टर गई है। जी हाँ, इतना अच्छा कलेक्शन ट्रिपल आर ने किया है, और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि और देशों में भी। अब वो चाहे USA हो, वहाँ पर ट्रिपल आर ने बहुत अच्छा कमाल करके दिखाया, और फैंस बहुत ही ज़्यादा इस फिल्म और इसके कास्ट को पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ हाल ही में खबर आई थी कि आलिया भट्ट ने अनफॉलो किया है फिल्म के डायरेक्टर को, जिसको लेकर ये बात काफी ज्यादा वायरल हुई थी कि आलिया भट्ट शायद RRR के डायरेक्टर से नाराज है, जिसको लेकर आलिया ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की थी, ना ही कोई बयान दिया था। लेकिन लगातार यूजर्स इस चीज पर ट्रोल कर रहे थे और बोल रहे थे कि क्यों आलिया भट्ट नाराज है। साथ ही ये देखा गया कि आलिया भट्ट के इंस्टाग्राम पोस्ट पर RRR की बहुत कम पिक्चर्स हैं और बाकी पिक्चर्स उन्होंने डिलीट कर दी हैं, तो इस चीज के लिए वो लेकर नाराज थे। लेकिन आगे की रिपोर्ट में हम आपको सच्चाई बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और उसके बाद हाल ही में आलिया भट्ट ने भी इस पर अब अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर अब हम आगे की रिपोर्ट में खुलासा करेंगे। तो आप पहले देखिए ये आगे की रिपोर्ट। SS राजमौली की हालिया रिलीज फिल्म RRR बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल कर रही है। इस फिल्म में रामचरण और जूनियर NTR अहम भूमिका में है। वहीं फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन कुछ ही देर में भी नजर आए। रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि आलिया स्क्रीन स्पेस को लेकर नाराज है, और इस वजह से उन्होंने RRR से जुड़ी सभी पोस्ट सोशल मीडिया से डिलीट कर दी। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आलिया ने सोशल मीडिया स्टोरी पर सफाई दी है। आलिया ने अपने बयान में लिखा, आजकल की रैंडम दुनिया में मैंने अपने बारे में सुना कि मैं सभी RRR की पोस्ट डिलीट कर दी क्योंकि मैं फिल्म की टीम से नाराज हूं। मैं सभी से इस बारे में गुजारिश करना चाहती हूं कि वो किसी भी तरह की अफवाहें ना फैलाएं, वो भी यह देखकर कि इंस्टाग्राम ग्रिड में मैंने पोस्ट डिलीट कर दिए। मैं हमेशा पुराने वीडियो पोस्ट रियलाइन करती हूं क्योंकि मैं अपनी प्रोफाइल को काफी साफ सुथरा रखना चाहती हूं। आलिया ने आगे लिखा, मैं RRR की दुनिया का सबसे हिस्सा बनी, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। मुझे सीता का किरदार प्ले करके बहुत अच्छा लगा। SS राजमौली सर ने मुझे डायरेक्ट किया, इसमें मैं बहुत खुश हूं। तारक और चरण संग काम करके मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस फिल्म में जुड़ी हर चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ जो एक्सपीरियंसिंग मुझे मिला है। मैं यह सब इसलिए सफाई में पेश कर रही हूँ क्योंकि राजमौली सर ने और पूरी टीम ने इस फिल्म को बनाने में काफी साल लगाए हैं, और इसमें हम सबकी मेहनत लगी है। मैं हर उस गलत बात को खारिज करना चाहती हूँ जो फिल्म को लेकर बन रही है। RRR बाहुबली के डायरेक्टर SS राजमौली की फिल्म है। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु के अलावा तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हुई है। आलिया भट्ट और अजय देवगन जैसे स्टार्स की वजह से हिंदी में भी इस फिल्म का बज बना हुआ है। पहले इस फिल्म को 7 जनवरी को रिलीज किया जाने वाला था, हालांकि कोरोना की वजह से सिनेमा घरों में ताले पड़ने पर इसे 25 मार्च को रिलीज किया गया है। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइफ।